आखिर आखिर क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जॉर्ज टेलर की मौत सिर्फ एक चेरी के ओवरडोज से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चेरी के। और आखिर क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक में एथलीट नंगन यानी कि नंगा होकर प्रदर्शन करते थे। जी हाँ दोस्तों, और यह फैक्ट जानकर शायद आपके होश भी उड़ जाए कि क्या आप जानते हैं कि 1386 में फ्रांस में एक सुअर को फांसी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक सुअर को। नंबर वन, राष्ट्रपति जॉर्ज टेलर की मौत सिर्फ एक चेरी के ओवरडोज से हुई थी। 1850 में 4 जुलाई की पार्टी में बहुत अधिक चेरी खाने और दूध पीने के बाद जॉर्ज टेलर का निधन हो गया। 9 जुलाई को गैस्ट्रोएंटेराइटिस से उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि दूध के साथ चेरी में मौजूद एसिड के कारण ऐसा हुआ था, जिनके चलते उनकी मौत हो गई। नंबर टू, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक में एथलीट नग्न होकर प्रदर्शन करते थे। दरअसल यह देवताओं से निकटता प्राप्त करने के लिए था और पसीने के माध्यम से उनकी त्वचा को डिटॉक्स करने में भी मदद करता था। और क्या आप जानते हैं कि वास्तव में जिम्नास्टिक्स शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द गुमनासिया और गमनोस नगन से आता है। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि 1386 में फ्रांस में एक सुअर को फांसी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, मध्य युग में एक सुअर ने एक बच्चे पर हमला किया जो बाद में उनके घाव से मर गया। सुअर को गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया और फिर अदालत में भेजा गया, जहां उस पर हत्या का मुकदमा चला, दोषी करार दिया गया और फिर उसे फांसी में लटका दिया गया। नंबर फोर, महामंदी के दौरान लोगों ने खाने की बोरियों से कपड़े बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, लोग आटे की थैलियों, आलू की बोरियों और बर्लेफ से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते थे। इस चलन के कारण खाद्य वितरकों ने लोगों को थोड़ा फैशनेबल बने रहने में मदद करने के लिए अपने बोरों का यानी कि अपने बोरों को और रंगीन बनाना शुरू कर दिया था। नंबर फाइव, आखिर क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक चला। जी हाँ दोस्तों, 38 मिनट तक। यह ब्रिटेन और जांजीबार के बीच था और इसे एंग्लो जांजीबार युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को हुआ था। यह जांजीबार में अगले सुल्तान के आरोहण पर था और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश की जीत हुई। थैंक यू।